तो दोस्तों अभी हमारे जो मेंटर है, अच्छी बात ये हुई कि मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने से प्रोडक्ट तो मिला ही, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे को गाइड करने वाले मेंटर भी मिले। यस और नो? और मेंटर का आप देखो, मेंटर का मतलब हमारे सीनियर, मेंटर का मतलब हमारे सीनियर। और मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मान लो मैं फौज में नौकरी कर रहा था, तो मुझे अगर अपना भविष्य देखना तो कहाँ देख सकता हूँ? जो हमारे सीनियर के साथ हो रहा वही मेरे साथ होने वाला है। यस और नो? तो मैंने देखा अपना भविष्य हमारे सीनियर के पास, मेरे सीनियर के पास जो मैं नौकरी कर रहा था वहां पे कार है, नो। मेरा सीनियर करोड़पति है, नो। मेरा सीनियर बंगले में रहता है, नो। मेरा सीनियर विदेश यात्रा गया है, नो। मेरा सीनियर के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, नो। मैंने फिर यहां पर देखा सेफ शॉप का सीनियर को, और जैसे सेफ शॉप के सीनियर को देखा तो सेफ शॉप के सीनियर के पास कार है, सेफ शॉप का सीनियर करोड़पति है, सेफ शॉप का सीनियर, सेफ शॉप का सीनियर लाखों रुपए कमाता है, सेफ शॉप का सीनियर का पास बंगला है, सेफ शॉप के सीनियर के पास जैन साहब के बच्चे अभी भी ऑस्ट्रेलिया में हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, और सेफ शॉप का सीनियर की लाइफस्टाइल एकदम मस्त है। तो मैंने सोचा कि सीनियर दोनों हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा किस पे फोकस करना चाहिए? उस पे फोकस करना चाहिए जिस सीनियर की फ्यूचर बहुत दमदार है। यस और नो? तो दोस्तों मैंने अपने सीनियर की बात मानी, जैन साहब को फॉलो करने की कोशिश किया, और बोला भी जाता है जब अगर बड़े भाई की शादी होती है तो छोटे वाला झूम झूम के डांस करता है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? देखो मैं आप लोगों से एक बात थोड़ा पूछना चाह रहा हूं, आदमी में और कद्दू में एक अंतर होता है, और आज आपने बताना है। इंसान में और कद्दू में एक अंतर होता है कि इंसान यस नो का जवाब दे सकता है और कद्दू, और जो इंसान यस नो का जवाब देता है वो क्या है? इंसान है। जो यस नो का जवाब देता है वो क्या है? इंसान है। और जो जवाब नहीं दे रहा वो क्या है? ऐसा मत बोलो यार, कोई बुरा मान जाएगा। तो कितने लोग समझते हैं, जानना चाहते हैं कि सर बड़े भाई की जब शादी होती है छोटे वाला जब डांस करता है झूम झूम के, पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मालूम है नेक्स्ट बार ये अपनी है। यस और नो? उसको भविष्य दिख रहा। तो अभी सिंह साहब प्लानिंग भी कर रहे हैं, बोला ऐसे ही हम भी करेंगे, सही है। तो दोस्तों अपलाइन का चेक 20 करोड़ रुपए क्लब में आए, अपलाइन ने 20 करोड़ से ज्यादा कमाए, तो आप बताओ हम भी उनके पीछे चल रहे हैं तो हम भी कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? दोस्तों और इस राइजिंग स्टार टीम के संस्थापक और राइजिंग स्टार टीम के कैप्टन मिस्टर पीआर चौधरी ने बिल्कुल कलम तोड़ रखी है। अभी क्या तोड़ रखी है? कलम तोड़ रखी है। आप देखो बोरा पूरे परिवार के साथ, महारानी के साथ, बच्चियों के साथ वहाँ पर हर फंक्शन में आ रहे हैं। बढ़िया, इन्होंने बंगला अपना मकान बनाया राजमहल जैसा, शहर में गांव में भी बनाया, बढ़िया। पहले साइकिल थी, व्हीकल के नाम पे साइकिल थी, अभी चार चूड़ी वाली ऑडी कार से आज चलाते हैं, चलते हैं। 3 लाख रुपए का भी चेक कमाया, और इन्होंने 5 लाख रुपए हफ्ते का चेक कमा के रजत वर्मा के मुंह से, रजत वर्मा सर जो हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर हैं उनके मुख से भी ये सारी चीज़ें सुनी। और आप देखो मैडम को रशिया घुमाया, स्विट्जरलैंड, पेरिस घुमाया, आप बताओ। और एक काम और बढ़िया किया जो सबको करना चाहिए, सही है? क्योंकि गाना तो सबने सुना होगा कि नौलखा मंगा दे रे सैया दीवाने, सुना कि नहीं सुना? लेकिन मंगाता कोई नहीं है, सही है? तो गाने को दफना देते हैं, तो सुनो। अरे आवाज को क्या होगी? बस इतना ही, अब बाकी आप सुन लेना अपने पास। तो आप देखो ये तो 9 लाख आज से 6 साल पहले था, अब तो 45 लाख हो गया होगा, सोना 10 गुना महंगा हो गया। यस और नो? तो दोस्तों आप बताओ, हमारे अपलाइन में भी दम है और आप सबके अपलाइन में भी दम है, दम है कि नहीं? कितने लोग मान रहे दम तो है सर?
तो एक जोरदार जोरदार तालियां हो जाए दोनों अपलाइन के लिए, जोरदार जोरदार।